In today's lecture, we are going to study about Carnot's ideal heat engine. So let's start. A Carnot's heat engine is a theoretical engine that operates on the reversible Carnot cycle. 1824 में सादी कर्नोट ने एक ऐसा थ्योरेटिकल इंजन डिजाइन किया जिसकी वर्किंग एफिशिएंसी 100% थी। हीट इंजन ऐसे डिवाइस होते हैं जो हीट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक इंजन दिखाया है। ये एनर्जी लेगा सोर्स से, वर्क जनरेट करेगा और एनर्जी जो है वो सिंक को रिजेक्ट भी करता है। जैसे कि एग्जाम्पल है स्टीम इंजन का, मोटर व्हीकल इंजन का। सो दिस इज द इंजन दैट कैन बी अ स्टीम इंजन, अ मोटर व्हीकल इंजन। सभी हीट इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, जिससे किसी भी वर्किंग सब्सटेंस जैसे कि हमने देखा गैस या वेपर को एक साइक्लिक प्रोसेस के अलग अलग थर्मोडायनेमिक स्टेजेस से गुजारते हुए वापस पहले वाली स्टेज में लाया जाता है। कर्नोट ने ये सजेस्ट किया कि अगर किसी हीट इंजन को एक स्पेसिफिक प्रोसेस के फिक्स थर्मोडायनामिक स्टेजेस से अगर हम गुजारें तो ऐसे में हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% पॉसिबल हो सकती है। तो ये इस इंजन को हम लोग कर्नोट इंजन या फिर आइडियल हीट इंजन कहते हैं। आइडियल हीट इंजन इसलिए क्योंकि ये इंजन मैक्सिमम एफिशिएंसी देता है और कोई इंजन इससे ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हो सकता। कर्नोट के द्वारा सजेस्ट किए गए इस स्पेसिफाइड साइक्लिक प्रोसेस को कर्नोट साइकिल कहते हैं। कर्नोट इंजन के जो मेन पार्ट्स है वो है सिलेंडर, सोर्स, स्टैंड एंड सिंक। सो लेट अस सी ऑल द फोर पार्ट्स ऑफ ए कर्नोट हीट इंजन। द फर्स्ट पार्ट इज अ सोर्स। सो दिस इज द सोर्स हियर। सोर्स एक रिजर्वायर, हॉट रिजर्वायर है जिसकी हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट इसलिए ताकि इससे जितनी भी एनर्जी लेना हो वो लिया जा सके और इसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट बना रहता है, इसलिए इसको हम लोग इनफाइनाइट एनर्जी, इनफाइनाइट कैपेसिटी का कह रहे हैं। और ये इसका जो वॉल्स है वो नॉन कंडक्टिंग है और सरफेस जो है ये कंडक्टिंग सरफेस रहता है। देन वी हैव नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटिंग स्टैंड। ये जो इंसुलेटिंग स्टैंड है इसमें से एनर्जी ना तो वो एब्जॉर्ब करेगा ना ही वो रिजेक्ट कर सकता है, मतलब कि इससे जो एनर्जी ट्रांसफर पॉसिबल नहीं होगी। देन वी हैव द थर्ड पार्ट एज द सिंक। इसको कि कोल्ड रिजर्वायर भी कहते हैं। इसकी भी हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट होती है ताकि इसे कितनी भी हीट जो है वो दी जा सके और इसका टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन कर सकते हैं हम लोग एट T2। सपोज T2 इज द टेम्परेचर ऑफ द सिंक, इसको हम लोग हीट सिंक भी कहते हैं। देन द फोर्थ वन इज द सिलेंडर। ये सिलेंडर है और इस सिलेंडर में वर्किंग सब्सटेंस लिया जाता है। दिस इज द वर्किंग सब्सटेंस विच इज टेकन हियर। नाउ दिस सिलेंडर इज फिटेड विद अ मूवेबल पिस्टन और इसके जो वॉल्स है वो नॉन कंडक्टिंग है और ये जो बेस है ये कंडक्टिंग है। और इसमें जो मटेरियल है जैसे हमने कहा ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ है। अब मूवेबल पिस्टन स्मूथली मूव किया जा सकता है और वर्किंग सब्सटेंस जैसे कि गैस, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस या वेपर्स जैसे हमने कहा ये इसमें लिए जा सकते हैं। अब एक कर्नोट साइकिल के 4 अलग अलग स्टेजेस होते हैं जिसको कि हम ग्राफिकली पीवी डायग्राम से शो करते हैं और इसको हम यहाँ पर जैसे कि ये पीवी डायग्राम से हमें इसको डिस्प्ले करेंगे। नाउ लेट अस सी द फर्स्ट स्टेप। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम सिलेंडर को हॉट, ये सोर्स जो है सोर्स के ऊपर में रखेंगे और यहाँ से रिजर्वायर का टेम्परेचर जो है वो गैस का टेम्परेचर से ज़्यादा है तो ये जो हीट है एनर्जी वो इस सिलेंडर में एंटर होती है और इसकी वजह से गैस जो है यहाँ की वो एक्सपांड होने लग जाएगी और इसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि एनर्जी जो यूज़ की जाती है वो एक्सपांशन प्रोसेस है, इसलिए गैस का टेम्परेचर अधिक बढ़ नहीं पाएगा। कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1। सो गैस के एक्सपांड होने की वजह से गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है और प्रेशर जो है वो घट जाएगा। सो सपोज वी टेक द इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम एज P1V1, देन ड्यूरिंग दिस आइसोथर्मल एक्सपांशन द वॉल्यूम विल बिकम V2 एंड द प्रेशर विल बी रिड्यूस टू V2।
So this is the first part or the first step, that is isothermal expansion. अब हम सेकेंड स्टेप देखेंगे. सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में ये सिलेंडर को हम लोग हॉट रिजर्वायर से हटाकर इंसुलेटिंग स्टैंड पर, ये इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखेंगे. ऐसा करने पर गैस चारों ओर इन नॉन कंडक्टिंग वॉल्स में कन्फाइंड हो जाएगी. जैसे हमने देखा था स्टैंड तो पूरी तरह नॉन इंसुलेटिंग है और ये सिलेंडर की जो वॉल्स है ये भी इंसुलेटिंग सब्सटेंस से बने हुए हैं. बेस कंडक्टिंग था बट हमने इसको स्टैंड पर रख दिया, तो अब यहाँ से जो एनर्जी बाहर जाने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है. पिस्टन को धीरे धीरे अब ऊपर उठने देंगे, गैस का और एक्सपांशन होगा. इस बार गैस को एक्सपांड करने के लिए हम कहीं से उसमें हीट नहीं दे रहे हैं, तो ये जो एक्सपांशन है फिर एडियाबेटिक एक्सपांशन कहलाता है. क्योंकि एक्सपांशन बिना हीट के हो रहा है इसलिए गैस का टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है. सो सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे कि गैस का टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा. एंड नाउ द गैस गैस इज टेकन फ्रॉम स्टेट बी टू द दिस सी पॉइंट. तो प्रेशर जो है उसका और डिक्रीज हो गया है और वॉल्यूम V3 जो है उसका इंक्रीज हो गया है. तो इस एक्सपांशन के कारण गैस का वॉल्यूम और बढ़ गया और प्रेशर जो है वो घट गया है. अब ये सेकेंड स्टेप है एडियाबेटिक एक्सपांशन का. अभी हम थर्ड स्टेप देखेंगे. थर्ड स्टेप में हम देखेंगे कि यहाँ से हमने नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर सिलेंडर को हमने स्टैंड के ऊपर से हटाकर अब कोल्ड रिजर्वायर पर रख दिया और पिस्टन को अंदर की ओर प्रेस करेंगे जिससे कि गैस का कंप्रेशन होने लगेगा. गैस के कंप्रेशन होने से जो भी एक्स्ट्रा हीट इसमें जो प्रोड्यूस होगी उसे रिजर्वायर एब्जॉर्ब कर लेता है. इस तरह गैस उसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर कंप्रेस हो जाती है. इसे आइसोथर्मल कंप्रेशन कहते हैं. तो ये आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन है. ये सी से डी कर्व पे हमने इसको शो किया है. प्रेशर इसका इंक्रीज हो जाएगा और वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है, दैट इज V4 हमने इस और इसको शो किया है. वॉल्यूम इसका डिक्रीज हो गया है. ये हो गया आपका थर्ड स्टेप आइसोथर्मल कंप्रेशन. फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, वापस से सिलेंडर को स्टैंड के ऊपर में रख देते हैं और पिस्टन को डाउनवर्ड पुश करेंगे, प्रेस करेंगे इसको. लेकिन अब एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस जो हो रही है वो हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए कोल्ड रिजर्वायर नहीं है यहाँ पर, और इस वजह से गैस का टेम्परेचर और बढ़ने लग जाएगा. इस कॉम्प्रेशन को हम एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन कहते हैं. पिस्टन को तब तक हम प्रेस करते रहेंगे जब तक कि गैस का टेम्परेचर बढ़कर ओरिजिनल T1 टेम्परेचर के बराबर, हॉट रिजर्वायर के बराबर ना हो जाए और प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. इस स्टेप के एंड में गैस वापस अपने इनिशियल स्टेज पर पहुंच जाएगी, जैसे ये हमने ये कर्व DA से शो किया है. अब ये एक कंप्लीट साइकिल है जिसको कि हम कर्नोट साइकिल कहते हैं, और इस पर वर्क करने वाला इंजन कर्नोट इंजन कहलाता है. एक कर्नोट इंजन की एफिशिएंसी दोनों रिजर्वायर के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है. सो लेट अस सी अगेन ऑल द फोर स्टेजेस. हमने देखा इनिशियल स्टेट ए, तो आइसोथर्मल एक्सपांशन टेम्परेचर T1 पे हो रहा है. वो बी स्टेट पे पहुंचता है, यहाँ पर उसका प्रेशर और वॉल्यूम प्रेशर कम हो गया है और वॉल्यूम बढ़ गया है. बी से सी स्टेट पे एडियाबेटिक एक्सपांशन हो रहा है और यहाँ से इसका टेम्परेचर रिड्यूस हो गया, अभी T2 पे आ गया है. सी से डी स्टेट पे आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ है और वापस से इसका जो वॉल्यूम कम हो गया, अभी कंप्रेशन है और प्रेशर इंक्रीज होने लगता है. और फिर वापस डी से ए स्टेट पर आ जाएगा जो कि एडियाबेटिक कंप्रेशन का स्टेट है. ये एक कंप्लीट साइकिल है जिसको कि हम लोग कर्नोट साइकिल कहते हैं. अब इसकी जो एफिशिएंसी है वो दी जाती है 1 - T2/T1, और ये जो एफिशिएंसी है वो टेम्परेचर हॉट रिजर्वायर के टेम्परेचर जो है उसके ऊपर और कोल्ड रिजर्वायर के टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. तो अगर हमें एफिशिएंसी को बढ़ाना है तो हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर इनफाइनाइट कर दें या फिर कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर जीरो कर दें, इन दोनों केसेस में एफिशिएंसी 100% हो जाएगी. बट इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम इस स्टेट को कर सकें. इसमें कर्नोट इंजन एक थियोरेटिकल आइडियल इंजन है. प्रैक्टिकल जो इंजन है उसमें हम मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए जितना हो सके उतना दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो बनाए रखते हैं, और इस तरह से साइकिल काम करेगा. सो इन द सेकेंड पार्ट वील सी द वर्क डन ड्यूरिंग दिस कर्नोट साइकिल. थैंक यू.